हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग की यहाँ सीरीज शुरू करने वाले, ठीक है, जिसमें आज हमारा पहला पार्ट रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपकी बहुत बीएससी से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर है आज ऑक्टेट रूल हम पढ़ने वाले। ऑक्टेट रूल आपको किसने दिया था यहाँ पर? कौसल और लेविस ने आपका यहाँ पर ऑक्टेट की थ्योरी यहाँ पर आपकी दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी एटम अगर आपके पास है तो टेंडेंसी रखता है कि अपने आसपास जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस टाइप से अरेंज हो कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अचीव कर ले। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई भी एटम आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर अचीव करता है तो वो आपका ऑक्टेट रूल की कंडीशन को फॉलो करेगा। ये आपका यहाँ पर कौसल लेविस ने कहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है यहाँ पर H2O वाटर है हमारे पास, तो एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके? 6 आपके होंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है यहाँ पर? आपका टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखे हैं अपने आसपास। दैट मीन्स आपका यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका यहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, वो आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है जो आपके यहाँ पर 2 कर रखे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो कर रखा है, क्योंकि उसने अपने आसपास इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रखा कि जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके 8 अचीव हो जाए। तो यहाँ आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव हो रखे ऑक्सीजन के आसपास, देयरफॉर ये आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है मीथेन CH4, तो कार्बन है और आपके पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। ठीक है, 2 और 4 होता है आपका, कार्बन 6 होता है, तो 2 और 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे आपके? 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 इसका 1 इसका 1 इसका और 1 इसका। ठीक है, तो देखो आपका जो कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए? 8 2 4 6 और 8। दैट मीन्स कार्बन ने क्या करा है आपका यहाँ पर? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करा है? मैक्सिमम 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन बना पाया है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है, कार्बन का आपके यहाँ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये आपका यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपके कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आसपास अपने नहीं बना पाते। ठीक है, मतलब जिसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कुछ ऐसे हम एग्जांपल आपके लिखते हैं। पहला आपके पास है यहाँ पर PCl5। अगर PCl5 को हम देखें, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl Cl और Cl। आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर लिख दिए। तो फॉस्फोरस के आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। फॉस्फोरस होता कितना आपका? 15, तो 2 8 और 5, तो क्या होगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के। क्लोरीन के कितने होते हैं आपके? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ भी ऐसे होगा 2 4 6 और 7, यहाँ भी ऐसे होगा 2 4 6 और 7। ठीक है, यहाँ भी ऐसे होगा 2 4 6 और 7, तो क्लोरीन के कितने हो गए आपके? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फॉस्फोरस के कितने हो गए आपके? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें फॉस्फोरस में यहाँ पर, तो फॉस्फोरस ने अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया है वो कितने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया है? 2 4 6 8 और 10। दैट मीन्स यहाँ जो फॉस्फोरस ने अपने आसपास इलेक्ट्रॉन बना रखे वो 10 बना रखे, जो आपका ऑक्टेट से ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्टेट में क्या होता था? मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह रहे, मतलब फॉस्फोरस एटम आपका ऑक्टेट रूल यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन क्लोरीन एटम कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास कितने आ रहे हैं आपके? 8। यहाँ भी क्लोरीन कितना आ रहे हैं? 8। यहाँ भी आपके कितना आ रहे हैं? 2 4 6 और 8। यहाँ भी आपका ऐसे ही हो रहा है, 8 आ रहे, और यहाँ भी आपका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो फॉस्फोरस आपका यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्लोरीन एटम आपके यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो आपके यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे SF6 है, तो सल्फर के कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फ्लोरीन हमारे पास 6 फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्लोरीन भी के अभी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हम ले लें यहाँ से, तो सल्फर के अराउंड कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे? 2 4 6 8 और 10, नहीं अराउंड 12 आपके इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 2 4 6 8 10 और 12, तो अराउंड 12 आपके यहाँ पर सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स बने, मतलब ये भी आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास यहाँ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।